हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज मैं आपको बहुत अच्छी डाइट के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ जो लोग सोचते हैं कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा, तो उनके बालों में कलर क्यों नहीं आता। सबसे पहला रीज़न उनका ये होता है, उनके बालों का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो डाइट बता रही हूँ वो हर उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। चाहे आपके बालों का टेक्स्चर हार्ड हो, चाहे आपके बाल सॉफ्ट हो, चाहे उम्र कम हो चाहे ज़्यादा हो, उन सब के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है बालों में, और 75% ये जिन लोगों के वाइट बाल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि 75 का मतलब है कि उनके बालों में सिर्फ इक्का दुक्का ही वाइट, जो ब्लैक हेयर है वो बहुत ही कम होंगे। सब जो उनके बाल हैं सब वाइट होंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आज मैं डाई बता रही हूँ। और इसे बनाने के लिए हमें सामान भी बहुत कम चाहिए, और इसमें जो सामान मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही हर्बल और बहुत ही नेचुरल है। और जो इसमें आज मैं मेहंदी का यूज़ कर रही हूँ ना, वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी, उसका कोई भी झंझट नहीं है। आपको कौन सी डाई, कौन सी हर्बल हिना यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसे यूज़ करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसमें मैं जो सामान यूज़ कर रही हूँ ना, वो आप अपने आसपास से देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, और बहुत ही कॉमन सामान मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए तो मुझे क्या सामान चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसे मैंने एज के बारे में भी आपको बता दिया, इसे हर उम्र के लोग लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों में बिल्कुल भी ऑयल ना हो। अच्छे रिजल्ट के लिए, बेहतर परिणाम के लिए आपको जैसे मैंने बताया है आप उस तरीके से कीजिएगा। तो वाइट बालों की प्रॉब्लम होती किसे सबसे ज़्यादा, तो ये है आपके जैसे जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो लोग जैसे कम उम्र में जैसे बाल वाइट होने शुरू होते हैं, अगर वो शुरू से ही अपने बालों का ध्यान रखें तो उनके बाल वाइट बिल्कुल भी ना हो। लेकिन क्या होता है, कितनी बार जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम सोचते हैं कि एक बाल हो गया वाइट, कोई बात नहीं बेटा वो एक ही तो हुआ है, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं वो, और जैसे जैसे वाइट बाल बढ़ते रहते हैं ऐसे बालों का जो जैसे हमारे बाल सॉफ्ट होते हैं तो ऐसे वो वाइट बाल ना हार्ड होने शुरू हो जाते हैं फिर। तो इसलिए तो हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो हम शुरू से ही इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को दें, उससे हमारे बालों में जो कलर है वो ब्लैक हमेशा बना रहे, कभी भी वाइट बाल ना हो। अगर हो भी तो उस एज में हो कि हाँ ठीक है अब उम्र हो गई है, वाइट बाल हो गए, कोई बात नहीं है। तो आज मैं जो डाई आपको बता रही हूँ वो इसी तरीके से आपके बालों पर काम करेगी। अगर आप उसे छोटी उम्र में शुरू कर देंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी तो बिल्कुल भी वाइट बाल नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और जो बाल वाइट हो चुके हैं वो धीरे धीरे करके वो जो वाइट बालों की जड़ें हैं ना, वो धीरे धीरे ब्लैक कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक कलर में, तो वो धीरे धीरे ब्लैक निकलने शुरू हो जाएंगे बाल। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा डाई का जो मैं आपको बता रही हूँ। बस आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, अगर उसे अभी से इस्तेमाल कराना शुरू कर देंगे तो उसके बाल आगे वाइट नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और एवरीवन, जब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और मेरे नेक्स्ट चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। और ये देखिए, जो मैंने 6-7 घंटे रखा है ना नीम के पत्तों को पका के, इसका पानी जो था ना वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और ये डाई के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार पानी है। तो अब हम इसकी डाई बनाएंगे, और इसकी डाई ऐसी होगी कि वो बालों का इन्फेक्शन दूर करेगी, बालों का टूटना झड़ना, सफ़ेद बालों की समस्या, हर तरीके से बहुत अच्छी है। तो मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पानी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे कि हम इसमें अच्छी सी डाई बना सकें। तो इसके लिए मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप इसे थोड़ा ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं, और इसे जब तक आपका ये पानी ख़त्म नहीं होता, ये नीम के पत्तों का सिरम, तब तक आप इसे इसी कढ़ाई में जैसे लोहे के बर्तन में रखे जैसे 1-2 दिन का बना लीजिएगा। और उसके बाद आप इसे लोहे के बर्तन में रखेंगे तो इसे रोज़ ऐसे चलाते रहिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही असरदार पानी है। बालों की जिनकी ग्रोथ रुक गई है उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही असरदार पत्ते हैं जो आज मैं आपको डाई बता रही हूँ ये। और अब मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, और इसमें हम लेंगे हिना। आपके पास जो भी अवेलेबल हिना है वो ले सकते हैं। तो मैंने आज ही खरीदी है ये, अभी मेरी जो हिना थी वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो मुझे मिली मार्केट से, लेकिन मैंने सुना था ये बहुत अच्छी है हिना, तो मैं बालों के हिसाब से हिना ले लूँगी। और अब इसमें जो हमारे नीम के पत्तों का सिरम है वो डालेंगे। इसमें हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आंवला पहले ही भिगा के रखा था, मैंने क्योंकि आंवला रात भर कढ़ाई में भिगा के रखा था मैंने, उसके बाद मैंने इसमें नीम के पत्ते पकाए थे। आप अच्छे से वीडियो देखना फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है, हमारे बालों में ये दिक्कत हो रही है। तो इसमें तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, इसका तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और हो सकता है एक बार में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है केमिकल वाली डाई यूज़ की उनके बालों में कलर ना आए, लेकिन ये बहुत ही अच्छी असरदार डाई है।
और सबसे अच्छा रिजल्ट इसका छोटे बच्चे जैसे जिन लोगों की एज मैं देखती हूँ जैसे 15-16 साल के बच्चों की भी आजकल व्हाइट बाल हो गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी डाई है ये। अगर उन्होंने इसे अभी से शुरू कर दिया तो उनके जो व्हाइट बालों की समस्या है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी और बहुत ही असरदार डाई है, तो इसे मैंने बना लिया है और इसे मैं कल बालों में अप्लाई करूँगी। तो अभी मैंने इसे जैसे आज मैंने सुबह इसे पका के रख दिया था, पूरा 6-7 घंटे हो गए हैं क्योंकि मैंने सुबह इसे पानी को आपको दिखाया था, तो मैंने इसे पका कर रख दिया था इसे। और उसके बाद मैंने अभी इसकी डाई बनाई है और इसे मैं अच्छे से पूरा चारों तरफ कढ़ाई में फैला दूंगी क्योंकि जिससे कि प्रॉपर आयरन भी मेरी डाई को मिल जाए अच्छे से और ये बहुत ही ब्लैक हो जाए। इस तरीके से हम इसे पूरा फैला देंगे और इसे हम रात भर रखेंगे और उसके बाद सुबह बालों में अप्लाई करेंगे। आपको पूरा चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इससे क्या होता है कि जो जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, बरसात है, तो इससे ना पूरा जितना भी आयरन है ना वो हमारा अच्छे से डाई में आ जाएगा और डाई बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो इसलिए इसे चारों तरफ लगा के अच्छे से इसे ढक देना है और उसके बाद आप इसे रात भर रख दीजिएगा इस तरीके से और सुबह हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे तो सुबह ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी और बहुत अच्छी डाई बनेगी ये तैयार होकर। जब तैयार हो जाएगी सुबह जो नीम वाली हेयर डाई मैंने बनाई थी ना वो मैंने इसे बालों में लगा लिया और बहुत अच्छा कलर है इसका क्योंकि हाथ बिल्कुल काले हो गए लगाए मैंने इसे। तो ये नेल्स ये फिंगर देखिए कितनी काली हो गई है ज़रा देर लगाने में क्योंकि मैंने इस हाथ में थोड़ा सा बैठे से बालों को ठीक किया था, तो बाकी तो मैंने ग्लव्स पहन के लगाई थी। तो बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका हाथ में भी और बालों में, मैंने कम से कम 15 मिनट तो हो गए ऐसे लगाए हुए। तो अभी से मैं कम से कम 1-1.5 घंटा बालों में रखूँगी, इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा इतना कलर आए कि अच्छे से जल्दी से ना निकले। तो लंबे टाइम तक टिकाने के लिए कम से कम 1 घंटा तो बालों में जरूर चाहिए, और लेकिन जिन लोगों की एज कम है वो थोड़ा कम टाइम लगा कर भी बालों को काला बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका डाई का क्योंकि मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ उसे। तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका और मैंने बहुत कम सामान इसमें यूज़ किया है। और डाई कैसे लेकिन मुझे जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नए पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मैंने नए चैनल का लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको नीम की डाई बताई है, कल फिर कोई और अच्छी डाई लेकर फिर आऊँगी मैं, तब तक के लिए।